हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में 2024 हीरो एक्सपल्स 204V। 2024 में भाई हीरो ने इस बाइक के साथ में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। दूर से देखने पर वो तुम्हें नजर नहीं आएंगे, लेकिन फीचर में बहुत सारे अपडेट दिए गए हैं। जैसे कि अगर लाइट ही देखोगे ना तो चेंज है भाई। अब यहाँ एच शेप का ये पूरा DRL सेटअप देखने को मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे चेंज है, लेकिन इस वीडियो में चेंज की बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आप समझ ही गए होंगे। मेरे साथ दीपक है, इसके साथ हम करने वाले हैं सीट हाइट टेस्ट। एक्सपल्स 204V आपको 200cc सेगमेंट में सबसे सस्ती अफोर्डेबल एडवेंचर बाइक देखने को मिलती है, जहां पर आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है 220mm की। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 825mm और इसका जो वजन है वो है लगभग 160 किलोग्राम। लेकिन ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए तो अच्छा ऑप्शन है जिनकी हाइट ठीक है और जिनको एंट्री लेवल ऑफ रोड मोटरसाइकिल खरीदनी है। लेकिन भाई शॉर्ट हाइट राइडर्स का क्या, ऑफ रोडिंग तो सब करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसके साथ कितने कंफर्टेबल होने वाले हो, ये हम टेस्ट करेंगे आज के इस वीडियो में। अब जैसा मैंने पहले बताया, मेरे साथ दीपक है जिसकी हाइट है 5 फीट 4 इंच और वजन है वो है लगभग 70 किलोग्राम के आसपास। तो भाई अपना जिम जाता है, वजन वगैरह अच्छा है, हाइट बढ़ा नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं। तो 5 फीट 4 इंच के साथ में अब देखते हैं, तो एक बार बैठो और बताओ। पंजे आ रहे हैं तो यहाँ अगर आप देखोगे तो पंजे भाई के जो है वो टिक जा रहे हैं, यानी कि पैर जो है वो इतना टच हो रहा है और AD ऊपर है। ज्यादातर बाइक्स में आप अगर मेरी वीडियो देखोगे तो भाई की कुछ इतनी ही कंडीशन होती है। बाकी देखो सस्पेंशन वगैरह बाइक का काफी स्मूथ है। मैं चाहूंगा दीपक भाई एक बार जंप करके दिखाओ बाइक पे। तो ये देखो सस्पेंशन ट्रैवल वगैरह आपको काफी अच्छा मिलता है। अगर आपने पीछे वजन वगैरह डाला है या पीछे आपके कोई बैठा हुआ है तो बाइक ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउन जाएगी, तो आपका जो ग्रिप है वो और बेहतर बनेगा। अब दीपक से जानते हैं कि भाई कैसा फील आ रहा है, बाइक चला पाएगा नहीं चला पाएगा, ऑफ रोड अगर करने जाएगा तो क्या लगता है। देखो ऑफ रोड अगर मैं करने जाऊंगा तो एक दो प्लस पॉइंट आएंगे इस गाड़ी में और एक दो माइनस पॉइंट आएंगे। प्लस पॉइंट की मैं बात करूं, सबसे पहला प्लस पॉइंट ये आएगा कि इस गाड़ी का ना वेट जो है वो 159 किलो है। हाँ, 159 किलोग्राम है, ऑलमोस्ट 160, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल लाइट वेट है। तो मैं इस गाड़ी को ना ऑफ रोड में आराम से हैंडल कर लूंगा। बट वीक पॉइंट क्या निकल के आएगा कि सीट हाइट, अब सीट हाइट का छोटा सा माइनस निकलेगा कि यहाँ पर ना जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा एडजस्ट होकर थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, तो वहां मेरे को कंफर्ट आ जाएगा। बट हाँ, जब मैं एक पीक पे ऑफ रोडिंग करूंगा तब जाके माइनर सी मुझे प्रॉब्लम निकल के आएगी। बट हाँ, क्या है, जब मैं ज्यादातर ऑफ रोडिंग करूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा, बाकी रोड पे इस बाइक में मुझे कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। मतलब अगर आप देखो रोड पे ज्यादा चलाने वाले हो तो आप आराम से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं, क्योंकि बाइक का वजन कम है। और ऑफ रोड का भाई ने जैसे बताया कि अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करोगे तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और वहां पे पूरी तरह से आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी हाइट उतना मैटर नहीं करता। वो भी मैंने अगर वो बताइए कि मुझे प्रॉब्लम आएगी, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तब प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, अगर आपकी हाइट कम है 5.5 फीट के आसपास है तब की वो बात है, और अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने जा रहे हो तो फिर देखो कोई भी गिर सकता है बाइक लेके, फिर उसमें शॉर्ट हाइट राइडर या एवरेज हाइट या वैसा कोई मैटर करता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हो और इस सेगमेंट में एंट्री लेना चाहते हो तो हीरो एक्सपल्स 204V आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। वजन कम होने की वजह से और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इस बाइक की जबरदस्त होने की वजह से ओवरऑल ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा पैकेज है। बाकी आपको हीरो एक्सपल्स 204V कैसी लगती है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। जल्दी ही इसका डिटेल्ड रिव्यू आएगा, क्योंकि ये 2024 का लेटेस्ट मॉडल है जहां पर कंपनी ने बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऐड कर दिए हैं जो कि आपको 200-250 cc की जो ऑफ रोड मोटरसाइकिल्स आती हैं उनमें भी नहीं मिलते। तो वो क्या है वो सब अगर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।